हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आप ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आपको अपनी OMR शीट्स फिल करनी है। जैसा कि आप सबको पता होगा, AMU 9th एंट्रेंस में जहां पे आपको अपने आंसर्स लिखने रहते हैं उसे हम कहते हैं OMR शीट, और यहां पे सर्कल करके ही आप अपने आंसर्स को रिप्रेजेंट करते हो। तो ये वीडियो सब लोग देखेंगे ज़रूर, क्योंकि आपने कितना भी पढ़ा हो, अगर आप लोगों को ये नहीं पता कि OMR शीट्स को फिल कैसे करते हैं, कौन सी गलतियों को अवॉइड करते हैं, तो कितना भी पढ़ा हो कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप अपने आंसर्स को सही नहीं रिप्रेजेंट कर पा रहे हो। तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। मैं आपको पहले बताऊँगी कि OMR शीट्स को फिल कैसे करते हैं, फिर बताऊँगी कि किस तरीके से आप प्रैक्टिस करो एंट्रेंस से पहले ताकि एग्ज़ाम में कोई भी गलती ना हो, और फिर बाद में मैं बताऊंगी कौन कौन से मिस्टेक्स आपको अवॉइड करने हैं ड्यूरिंग फिलिंग द OMR शीट्स। ओके, तो कुछ इस तरीके से OMR शीट दिखती है, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये जो नंबर्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं क्वेश्चन नंबर होते हैं ये, और ये जो चार ABCD लिखे हुए हैं ये हैं ऑप्शंस। अब मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से आपको फिल करना है। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आपका क्वेश्चन पेपर है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एज ब्यूटिफुल एज रोज इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ। अब आपको पता है इसका आंसर सही क्या है, इसका आंसर सही है क्या, सिमिली। ठीक है, हम लगा दे रहे हैं सिमिली। अब हमें पता है ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, तो हम इसको फिल कैसे करेंगे ये देख लीजिए। आपने क्या डिसाइड किया है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर डी सही है, सिमिली। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे ये जो है ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे आप डी को फिल करोगे। ठीक है, ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से, कभी भी जेल पेन नहीं यूज़ करोगे, जेल पेन फैल सकता है, कभी गलती से कुछ इधर उधर पानी पड़ गया, तो हमेशा बॉल पॉइंट पेन यूज़ करोगे आप। क्वेश्चन नंबर डी हमारा सही था, तो एकदम परफेक्टली गोला इसको बनाना है आपको, एकदम परफेक्ट सर्कल बनाना है, ऐसा नहीं कि सर्कल के बाहर जा रहा हो, ऐसा नहीं करना। ठीक है, इस तरीके से आप फिल करोगे। अब दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कौन सा हमारा, ये रहा आपका सेकेंड क्वेश्चन, देयर इज़ डैश बटर ऑन माई टोस्ट। तो आप क्या लगाओगे यहाँ पे, सही आंसर कौन सा लग रहा है, टू मच, देयर इज़ टू मच बटर ऑन माई टोस्ट। तो हमने क्या डिसाइड किया, टू का फर्स्ट ऑप्शन सही है, टू ए सही है। तो अब इसको फिल कैसे करोगे, फिर वही प्रोसेस, सेकेंड का हमने डिसाइड किया था कि टू का ए सही है, तो आप टू के सामने ए को ऐसे सर्कल कर दोगे। ठीक है, और एकदम परफेक्ट सर्कल होना चाहिए, पूरा फुल हो जाना चाहिए, खाली नहीं रहना चाहिए और ना ज़्यादा बाहर निकलना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, तो इसी तरीके से जितने भी क्वेश्चन हैं आपके पेपर में, 85 क्वेश्चन हैं, यहाँ तक 85 क्वेश्चन तक आपको फिल करना रहेगा। ठीक है, बात समझ में आई कैसे फिल करते हैं। अब गलतियाँ जो आप लोग OMR में करते हैं वो क्या नहीं करनी है वो देख लो। सबसे पहली गलती, जो क्या होता है कि जल्दबाजी में आके बच्चे क्या कर देते हैं, चलो पहले क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन क्लियर नहीं रहता है, क्वेश्चन क्लियर नहीं होता उन्हें कि आंसर सही क्या है। जैसे कि ये रहा क्वेश्चन आपका, ये रहा क्वेश्चन, देयर इज़ डैश बटर ऑन माई टोस्ट, अभी दिमाग में क्लियर नहीं है, कन्फ्यूज़न है क्वेश्चन में, और क्या कर लिया, टू मैनी पे टिक लगा लिया, सोचा कि टू मैनी लगा देते हैं। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे जाके टू मैनी पे ऑप्शन नंबर सेकेंड का क्वेश्चन नंबर बी लगा देंगे, और उसके थोड़ी देर बाद उनको याद आएगा, अरे नहीं यार, ऑप्शन नंबर बी नहीं लगाना था, ऑप्शन नंबर ए लगाना था। तो अब क्या करेंगे, इसको ऐसे ऐसे कट का निशान लगा के फिर ऑप्शन ए पे कर देते हैं। जी नहीं, आपका ये पूरा शीट ही रिजेक्ट हो जाएगा, ये वाला काम नहीं करना है कि पहले ऑप्शन नंबर बी पे लगा दिया हड़बड़ी में, फिर इसको कट करके ऑप्शन नंबर सी पे लगा दिया, ये वाला काम बिल्कुल नहीं करना है। तो जब भी किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न रहे, लगे कि हाँ ये गलत हो सकता है, ये मुझे क्लियर नहीं है, उस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए छोड़ देना। ठीक है, बाद में अटेम्प्ट कर लेना, छोड़ देना क्वेश्चन को, कभी भी ये वाला काम नहीं करिएगा कि एक ऑप्शन लगा के फिर उसको कट करके फिर दूसरे पे लगा रहे हो, पूरी की पूरी शीट रिजेक्ट हो सकती है आपके, तो ये गलती नहीं करना। दूसरी चीज़, मैंने बोला सर्कल को फुल करना है, ये नहीं कि आधा फिल कर दिया, सर्कल को हमेशा फुल करना, बिल्कुल इस तरीके से, ये जो लिखा, ये बना के दिखाया गया आपको, एकदम फुल सर्कल करिएगा। तीसरी गलती जो होती है, कुछ लोग ऐसे कर देते हैं, टिक मार देते हैं, ये सारी चीज़ें नहीं करनी, बस यहाँ पे गोले को आपको सही से फिल करना है। और मिस्टेक मैं बताती हूँ अक्सर क्या होता है, कि आपने फर्स्ट का डी लगा दिया, फर्स्ट का डी लगाया, सेकंड का सी लगाया, इस तरीके से लगा रहे हैं। अब बीच में कभी कभी क्या होता है कि फिफ्थ वाले आंसर को हमने फोर्थ पे लगा दिया, क्या करते हैं, फिफ्थ वाले को फोर्थ पे लगा देते हैं,
फिफ्थ क्वेश्चन का ऑप्शन फोर्थ पे लगा दिया, फिर सिक्स वाले का फिफ्थ पे लगा दिया, तो पूरा सीक्वेंस ही गलत हो जाता है। ध्यान से सुनना, फर्स्ट का ऑप्शन फर्स्ट पे लगना चाहिए, सेकंड का सेकंड पे, ये चीज़ ध्यान रखना। ये नहीं कि बीच में कहीं ऊपर नीचे हो गया तो पूरा पेपर का सीक्वेंस ही ख़राब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर और क्वेश्चन नंबर बहुत मिला के ध्यान से ही फिल करना। बात समझ में आ रही है मेरी? क्वेश्चन पढ़ के आराम से फिर ही ऑप्शन फिल करना, ऊपर नीचे ना होने पाए कि 24 का 23 में लग गया, 25 का 24 में लग गया, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। बात समझ में आ रही है? आई होप क्लियर हो गई होगी। फिर से मैं एक बार समराइज़ कर दे रही हूँ आपको क्या क्या गलतियाँ अवॉइड करनी है। जेल पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करना है। दूसरी चीज़, पूरा सर्कल फुल होना चाहिए, सर्कल के में जगह नहीं खाली होनी चाहिए, ना सर्कल से बाहर पेन जाना चाहिए, बहुत परफेक्टली सर्कल को फिल करना है। तीसरी गलती, ऑप्शन और क्वेश्चन बहुत ध्यान से लगाएंगे, क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चन नंबर देख के ही यहाँ पे OMR में फिल करेंगे, ठीक है, ताकि सीक्वेंस ना बिगड़ने पाए, फाइव का फोर पे ना लगे, सिक्स का फाइव पे ना लगे, सीक्वेंस सही रहना चाहिए। फिर अगर किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न रहेगा तो उस क्वेश्चन को छोड़ देना। ये नहीं कि एक बार कुछ और लगा के फिर उसको कट करके फिर कोई और लगाए, ये गलतियाँ रिपीट नहीं करनी है आपने। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एक जो प्रैक्टिस वाली बात थी, तो मैं ये जो OMR शीट है इसकी कॉपी आप लोग को टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी। आप लोग को क्या करना है कि इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है, ठीक है। आप सबके सब इसका प्रिंट निकलवा लोगे, फिर प्रिंट निकलवाने के बाद प्रिंट कई सारे कॉपीज़ इनके निकलवा लेना। ये जो मॉक्स हो रहे हैं, कई दस सारे तीन मॉक्स हुए, तीन फुल लेंथ टेस्ट हुए, इन फुल लेंथ टेस्ट को मैं पेपर के फॉर्म में सेंड कर दूंगी आप लोग को, जैसे टाइप PDF होता है उसके फॉर्म में मैं सेंड कर दूंगी। अब आप लोग को क्या करना है कि उन मॉक्स के सोल्यूशन आपने देख लिए होंगे, यूट्यूब पे अपलोडेड हैं। अब क्या करोगे आप सबके सब, ये OMR शीट की कॉपी निकलवाई, प्रिंट आउट के दुकान पे जाके एक दो रुपये तीन रुपये में वो निकाल देगा, दो तीन कॉपी निकलवा ली, वहाँ पे प्रैक्टिस करने बैठो। जो मैंने पेपर भेजा हुआ होगा उसकी प्रिंट आउट निकलवा लो, वरना फ़ोन से ही देख देख के ऑप्शन ए का क्या है, हाँ डी है, ठीक, सेकेंड का क्या है, सी है, इस तरीके से करके पूरा सॉल्व करोगे। सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, वरना बड़े बड़े लोग OMR शीट में गलतियां करके आते हैं, ठीक है, काफ़ी बड़े बड़े लोग। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहना, मैं ये भेज दूंगी इसका प्रिंट आउट निकलवा के, या फिर प्रीवियस ईयर, या फिर मैं फुल लेंथ टेस्ट के PDF भेज दूंगी, उन सबसे आप लोग प्रैक्टिस करते रहना। ओके, थैंक यू एवरीवन।